पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 कहां शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 शुरू हुआ है रूस में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है एससीओ, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एससीओ की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो एससीओ की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन। अब मैं आपको एससीओ के बारे में बता देता हूं। एससीओ की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसका हेडक्वार्टर है चाइना के बीजिंग में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है प्रेजेंट टाइम पे राशिद अलीमो, और प्रेजेंट टाइम पे एससीओ में 8 कंट्री हैं। अब इन 8 कंट्रीज के नाम भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको 8 नाम बताता हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 कंट्री हैं प्रेजेंट टाइम पे एससीओ में। इसमें से इंडिया और पाकिस्तान 9 जून 2017 को ऐड हुई थी एससीओ में, तो इतना आपको एससीओ के बारे में पता होना चाहिए। अब ये अभ्यास एससीओ शांति मिशन 2018 शुरू हुआ है रसिया में, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबल, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है दमित्री मेदवेदेव। अब एक क्वेश्चन और बचता है रसिया से, रसिया की संसद का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखिए रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में म्यांमार के मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब म्यांमार के जिस मीडिया ग्रुप ने प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उसका नाम भी पता होना चाहिए, तो उस मीडिया ग्रुप का नाम है मिजीमा। क्या नाम है? मिजीमा। ये म्यांमार का एक मीडिया ग्रुप है और इसने अभी हाल ही में प्रसार भारती के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये म्यांमार का मीडिया ग्रुप है, तो आप मैप में देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो, म्यांमार की करेंसी है बर्मिस कैट, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम बर्मा था इसीलिए इसकी करेंसी का नाम है बर्मिस कैट, और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है बिन मिंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसओचेम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एसओचेम के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं उदय कुमार वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एसओचेम क्या है, तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है और ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे अच्छा ट्रेड एसोसिएशन है, तो इस एसओचेम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। एसओचेम की फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये होती है एसओचेम की फुल फॉर्म। एसओचेम की स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है संदीप जजोडिया। ये जो मैंने सी ऑप्शन पे लिखे हैं संदीप जजोडिया, ये प्रेजेंट टाइम पे एसओचेम के प्रेसिडेंट है, और नए महासचिव कौन बने हैं? उदय कुमार वर्मा, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर कहां लॉन्च हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च हुआ है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसका नाम है भामाशाह टेक्निकल हब। क्या नाम है इस बिजनेस इंक्यूबेटर का? भामाशाह टेक्निकल हब। अब ये जयपुर में लॉन्च हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जयपुर कहां पे है? राजस्थान में है, तो मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है कल्याण सिंह जी। ये चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद भी हो गई है फिर भी कभी भी किसी स्टेट का नाम आए तो आपको उसके बारे में इतना मिनिमम तो रिवाइज करना है, रिवाइज करने की हैबिट आपको नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए नेता ऐप किसने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में सांसदों और विधायकों को रेट करने के लिए नेता ऐप लॉन्च की है हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे आप कोई ऐप होती है उसे आप रेट करते हो, 5 में से स्टार देते हो, 4 स्टार, 3 स्टार, मूवी आती है उसको भी आप रेट करते हो 5 में से कितने स्टार देते हो, इसी तरह से आप सांसदों को और विधायकों को भी रेट कर सकते हो इस ऐप पे। इस ऐप का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है नेता। अब इस ऐप का नाम नेता है तो इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इस ऐप से आप जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको आप रेड कर सकते हो। और इसको किसने लॉन्च किया है? इसको हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएसी ने कितने करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में डीएसी ने 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में डीएसी को हाईलाइट किया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएसी की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, और इंग्लिश में कहें तो डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल, और हिंदी में कहें तो रक्षा अधिग्रहण परिषद। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अभी हाल ही में 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है। अब रक्षा की बात आ गई है तो प्रेजेंट टाइम की हमारी रक्षा मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे हमारी रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमण, और इन्होंने ये 4600 करोड़ की सेवाओं की खरीद को मंजूरी दी है। अच्छा, जब भी आप निर्मला सीतारमण का नाम सुने आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री है। पूर्णकालिक शब्द पे आपको ध्यान देना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे निर्मला सीतारमण। उसने हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारत के टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में इंडिया के टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन, और इन्होंने एकल टेनिस में कांस्य पदक जीता है एशियन गेम्स में। और एशियन गेम्स के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, आपको याद रखना है। एशियन गेम्स कहां चल रहे हैं? इंडोनेशिया के जकार्ता और कोलंबिया में चल रहे हैं एशियन गेम्स 2018। और ये कौन से नंबर के एशियन गेम्स हैं? तो ये 18वें नंबर के एशियन गेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली क्रूज लाइन सेवा कब शुरू होगी? तो अभी हाल ही में इंडिया की पहली क्रूज लाइन सेवा शुरू होगी 1 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडिया की पहली क्रूज लाइन सेवा शुरू होगी मुंबई और गोवा के बीच में, यह है इंडिया का पहला क्रूज। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है अंग्रिया। क्या नाम है इसका? अंग्रिया। और ये कहां कहां चलेगा? ये मुंबई और गोवा के बीच में चलेगा, और इसकी स्टार्टिंग कब होगी? इसकी स्टार्टिंग होगी 1 अक्टूबर 2018 को। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कौन सी पुस्तक आरंभ हुई है? अभी आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, तो अब जितने भी एग्जाम आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी से एक न एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अभी अटल बिहारी वाजपेयी पे एक पुस्तक आरंभ हुई है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम है अटल जी ने कहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पुस्तक को लिखा है ब्रजेंद्र रेही ने। किसने लिखा है? ब्रजेंद्र रेही ने। इस पुस्तक में अटल जी के 3 इंटरव्यू का वर्णन है, और उन्होंने जो भाषण दिए थे उनमें से कुछ प्रमुख भाषणों का वर्णन है। तो आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है और इसको किसने लिखा है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पुस्तक का नाम है अटल जी ने कहा, और इस पुस्तक को लिखा है ब्रजेंद्र रेही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक। कल की वीडियो में आपको बताया था पुरुष कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अब महिला कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी यह है कि दोनों ने ही ईरान को हराकर मेडल जीते हैं। तो आपको याद रखना है पुरुष कबड्डी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल और महिला कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स 2018। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किन 2 देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वियतनाम और कंबोडिया इन 2 देशों की यात्रा पर जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब इन दोनों देशों के बारे में आपको बता देता हूं। पहले आप मैप में देखिए, यह है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है ट्रान डाई क्वांग। अब आते हैं कंबोडिया पे, तो आप पहले मैप में देखिए, यह है कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम पेन। कंबोडिया की करेंसी है कंबोडियन रियाल, और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं हुन सेन। तो इन दोनों देशों के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों देशों के दौरे पर जा रही हैं हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और जब भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन है सुषमा स्वराज।
अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल पॉलिटिशियन कौन है, तो आप बताएंगे सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में हिना सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो अभी हाल ही में एशियन गेम्स 2018 में हिना सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है यही है हिना सिंधु, और इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा, तो अभी हाल ही में चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अफेयर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के जो ऑनलाइन वीडियो हैं उनके संचलन को रोकने के लिए इंटरनेट दिग्गजों द्वारा किए गए प्रयासों को अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को किन सेवा प्रदाताओं के लिए कठोर निर्देश जारी करने को कहा है? बेसिकली फेसबुक और यूट्यूब के लिए किया गया है ये, तो आंसर है ए एंड बी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेसबुक और यूट्यूब ने जो भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के वीडियो हैं उनको रिमूव नहीं किया समय निर्धारित समय सीमा में, और अब ये टाइम कम करने को कहा है। पहले 36 घंटे दिए जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 10 घंटे के अंदर अंदर सारा कंटेंट रिमूव हो जाना चाहिए, तो उसकी समय सीमा भी कम कर दी गई है और इन जो कानून है उन्हें काफी कठोर बना दिया गया है, 36 घंटे से 10 घंटे कर दिया गया है। नीति आयोग ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कितनी थीमेटिक रिपोर्ट जारी करी है? नीति आयोग ने टोटल 5 रिपोर्ट जारी करी है। ये 5 रिपोर्ट कौन सी है? एक तो है जल सुरक्षा के लिए हिमालय में स्प्रिंग्स की सूची और पुनरुद्धार, भारतीय हिमालय क्षेत्र में सतत पर्यटन यानी सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे होना चाहिए, खेती को स्थानांतरित करने के लिए परिवर्तनीय दृष्टिकोण, हिमालय में कौशल और उद्यमिता लैंडस्केप को सुदृढ़ करना, और सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा या सूचना का इस्तेमाल। तो ये है 5 रिपोर्ट्स। सैन्य संबंधों पर द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो चाइना है, चीन के रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर है, और ये डोकलम विवाद के बाद पहली बार चीन के रक्षा मंत्री भारत आए हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है वी फेंगे। ये है चीन के रक्षा मंत्री। भारत की रक्षा मंत्री है निर्मला सीतारमन, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और उपराष्ट्रपति हैं वैंग किशान। तो उपराष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है वैंग किशान। एशियाई खेलों में 2018 में टेनिस मिश्रित युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? मिश्रित युगल का टेनिस खिताब जीता रोहन बोपन्ना और दिविज सरन ने, तो ये गोल्ड मेडल था रोहन बोपन्ना और दिविज सरन का। इससे पहले अंकिता रैना ने कांस्य जीता था टेनिस में। किस ऑनलाइन सेवा प्रदाता ने फर्जी संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश को नकार दिया है? केंद्र सरकार ने यह कहा था इस कंपनी को कि जो फेक मैसेज होते हैं आप ये पता लगाओ कि सबसे पहली बार किसने भेजा था, लेकिन अब ये मना कर दिया है व्हाट्सएप ने कहा है हम ये नहीं करेंगे, हम ये पता नहीं लगाएंगे कि सबसे पहली बार वो फेक मैसेज जनरेट कहां से हुआ था, क्योंकि इससे हमारी एंड टू एंड एनक्रिप्शन पर फर्क पड़ता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर करती है उसमें फर्क पड़ता है। व्हाट्सएप के फाउंडर 2 लोग थे, ब्रायन एक्टन और जैन कुंभ। इन 2 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप शुरू किया था, बाद में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में किस खेल संगठन ने चेन्नई में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऑफ तमिलनाडु के साथ नया संविधान लागू किया है? नया संविधान लागू इसलिए किया है क्योंकि जो लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट थी उन्होंने इसको बाध्य किया। ये है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सीबीएसई ने 2020 से किस कक्षा के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए जाने की योजना बनाई है? सीबीएसई चाहती है कि बच्चे जो है वो रेक्टिफिकेशन ना करें, यानी रोट लर्निंग ना करें, सिर्फ चीजों को बाय हार्ट ना करें और तर्क शक्ति का इस्तेमाल करें, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब भी इंक्लूड की जाएगी, तो ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में की जाएगी। तो आंसर है ए और बी, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम। और सीबीएसई की चेयरमैन कौन है? अनीता करवल। सीबीएसई की जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो है अनीता करवल। अमेरिकी संस्था पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक सन 2050 तक भारत की आबादी चीन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होगी?
उन्होंने कहा है कि अभी भारत की आबादी है 137 करोड़ और चीन की है 139 करोड़, लेकिन 2050 तक भारत की आबादी चीन की आबादी से 25% ज्यादा होगी। ये कहा है पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने। चीन ने प्रतिशोध लेते हुए 16 अरब डॉलर यानी 16 बिलियन डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर कितने प्रतिशत का कर लगाया है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले चीन पर भारी कर लगाया था। अब चीन ने बदला लेते हुए 16 अरब डॉलर का 25% कर अमेरिकी उत्पादों पर लगाया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ने प्रशासन के मुद्दों के कारण किस देश के फुटबॉल एसोसिएशन का अस्थायी नियंत्रण ले लिया है। जो अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन है उसको बोलते हैं फीफा। तो फीफा ने कहा है कि इस देश का जो फुटबॉल एसोसिएशन है वो कानूनों के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो अब हम इसका संचालन खुद करेंगे। ये देश है उरुग्वे। उरुग्वे फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख शहर में है। ज्यूरिख, तो ये उरुग्वे कहां है? मैंने आपको पहले एक बार पैराग्वे बताया था। पैराग्वे के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हो उरुग्वे है, और पैराग्वे और उरुग्वे जो है उसकी सीमा लगती नहीं है क्योंकि बीच में अर्जेंटीना का कुछ हिस्सा है। और पैराग्वे की राजधानी मैंने आपको बताई थी असुनसियोन, और पैराग्वे की मुद्रा है गुआरानी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उरुग्वे की, तो उरुग्वे की मुद्रा है उरुग्वेन पीसो और यहां की राजधानी है मोंटेविडियो। ब्राजील के दक्षिण में यह छोटा सा देश है उरुग्वे, जो पैराग्वे के मुकाबले काफी छोटा है, और अर्जेंटीना और ब्राजील के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो ब्राजील और अर्जेंटीना बहुत बड़े देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप होता है जो दूर की चीजें देखने के काम आता है, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने अपने कितने वर्ष पूरे करे हैं? 25 अगस्त को कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसने अपनी 15वीं वर्षगांठ मनाई। नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन शहर में है। एसोचैम का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम के नए महासचिव अर्थात सेक्रेटरी जनरल होंगे उदय कुमार वर्मा, ये जगह लेंगे डीएस रावत की। और एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं वो है संदीप जजोदिया। संदीप जजोदिया ये है एसोचैम के प्रेसिडेंट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट सहित नवीनीकृत सामानों के लिए एक समर्पित पोर्टल का अनावरण करा है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम रखा है टू गुड। टू गुड, तो ये फ्लिपकार्ट ने किया है। और इस पे जो बेसिकली रिफर्बिश प्रोडक्ट होंगे यानी जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट होंगे वो बेचे जाएंगे टू गुड पोर्टल के ऊपर। फ्लिपकार्ट कंपनी शुरू करी थी सचिन और बिन्नी बंसल ने, और अभी इस कंपनी के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति, और अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट वो इसे खरीद चुकी है। 2018 एशियाई खेलों में पुरुषों के शॉटपुट यानी गोला फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता? 2018 एशियाई खेलों में गोला फेंक में जो स्वर्ण जीता वो जीता तजिंदर पाल सिंह तूर ने, शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब कहां लॉन्च हुआ है? भामाशाह टेक्नो हब भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर है, उद्यमियों के लिए किया गया है, जयपुर में, जयपुर में किया गया है। और 500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड, इसमें जो स्टार्टअप होगा फंड होगा वो होगा 500 करोड़ रुपए, और इसमें से 50 करोड़ रुपए खर्च होगा हरित स्टार्टअप्स पर यानी ग्रीन स्टार्टअप, और 100 करोड़ रुपए महिलाओं के लिए, महिला स्टार्टअप्स के लिए। टोटल है 500 करोड़, 50 करोड़ ग्रीन स्टार्टअप्स के लिए है और 100 करोड़ जो है वो महिलाओं के स्टार्टअप्स के लिए है। ये जयपुर में लॉन्च किया गया है। तो वैसे इसमें राजस्थान भी आंसर हो सकता है और जयपुर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त आंसर है जयपुर, तो आपको मार्क करना है जयपुर। आपको कमेंट्स में लिख के ये बताना है कि टी हब और वी हब ये कौन से राज्य के इंक्यूबेटर हैं? टी हब और वी हब। एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाई सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स, ओरिएंटल रिसर्च यानी जो पूर्व है उस पर अनुसंधान के लिए की गई थी। कमेंट्स में लिख के बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। भारतीय रेलवे का पहला ग्रीन कॉरिडोर कहां से कहां तक बनेगा? यह बनेगा रामेश्वरम से मन मदुरई तक। रामेश्वरम से मन मदुरई लगभग 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा डिस्टेंस है ये, यहां तक भारत का पहला रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इन्होंने ये अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह की शहादत से इंस्पायर होकर नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, ये दिया था हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी।
कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि जो सत्यमेव जयते है ये भारत के कौन से उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द भारत के कौन से उपनिषद से लिया गया है। उड़ीसा सरकार ने 11 से 15 नवंबर 2018 को उड़ीसा में आयोजित होने वाले मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के लिए कौन से देश के साथ साझेदारी की घोषणा करी है। उड़ीसा की सरकार साझेदारी करेगी जापान के लिए, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए जापान के साथ साझेदारी की है। किस राज्य के कैबिनेट ने मूल्य स्थिरीकरण निधि यानी प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड के निर्माण के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। यह बिल सुनिश्चित करेगा कि राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। यह राज्य है पंजाब। इससे पहले पंजाब ने एक ब्लास्फेमी लॉ पास करा था कि अगर आप किसी धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हो तो फिर आपको उम्र कैद तक हो सकती है। कौन सी भारतीय एयरलाइंस बायोफ्यूल की मदद से देहरादून से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरेगी। यह पहली बार है भारत में कि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। यह देहरादून से दिल्ली उड़ान भरेगी कंपनी स्पाइस जेट। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।